तो हेलो जी, नमस्ते। मैं पूजा सिंह अनुस मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक घरेलू सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरी की सब्जी। तो बहुत लोग उसको कुंदरा भी बोलते हैं और बहुत लोग कुंदरी भी बोलते हैं, तो मैं कुंदरी ही बोल रही हूँ। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ कुंदरी की सब्जी, जो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले देखिए इस तरह से लंबे लंबे कुंदरी कट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने थोड़े मोटे मोटे प्याज कट कर लिए हैं और मैंने 6 से 7 मिर्ची डाला है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो और मिर्ची ले लें और अपने अनुसार कम ज़्यादा कर लें। तो जी, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। अब हम लोग फ़ौरन में सिर्फ मिर्ची नहीं डालेंगे है, बल्कि 5 फ़ौरन और थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम हींग डालने जा रहे हैं। थोड़ा हम हींग डाल लेंगे, इसके साथ साथ 5 फ़ौरन डालेंगे हम। और साथ में मैंने जो मिर्ची यहाँ पर जो मिर्ची कट किया है वो डालेंगे। जी, 1 फ़ौरन हो चुका है, अब हम कुंदरी और प्याज को एक साथ डालेंगे। ये देखिए, मैं एक साथ डाल दे रही हूँ दोनों को। अब हम इसको चला देंगे। अब हम मीडियम आंच पे इसके थोड़ा भूनेंगे ताकि इसकी रंग थोड़ा चेंज हो जाए। तो जी देखिए, इसको मीडियम आंच पे रख के थोड़ा ढक के थोड़ी देर में इसको सब्जी को चला दें, बस इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाए। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसका रंग थोड़ा चेंज हो गया है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम मसाला थोड़ा कम ऐड करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी लटपटी जो सब्जी होती है, कम मसाले वाली, उस तरह की सब्जी बना रहे हैं, इसलिए मसाला की क्वांटिटी थोड़ा कम करके हम देंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट देंगे 1 चम्मच। इसके साथ नमक, हल्दी ऐड कर रही हूँ। मैंने हल्दी ऐड कर दिया। इसके बाद 1/2 चम्मच से भी कम धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम जीरा पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये लीजिए, ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल दिया है। और 1/2 चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिए हैं। सारे मसाले डाल दिए, अब इसे हम मिला लेंगे। इसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब्जी खुद ही खट्टी होती है, लेकिन अगर और खट्टी आपको पसंद है तो 1 टमाटर आप ऐड कर सकते हैं। जी, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके, एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम ढक कर धीमी आंच पे इसको भूनते रहेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे इसे हम भूनेंगे। जी, हर 1-2 मिनट में सब्जी का ढक्कन हटा के इसको देखते रहें, इसको चलाते रहें। ये देखिए, इसका रंग भी चेंज होने लगा है। ये लगभग और 2-3 मिनट इसमें लगेगा। इसके बाद इसको हम तेज आंच करके 1 मिनट के लिए तेज आंच पे इसको भून लेंगे। इसके बाद ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और धीमी आंच पे इसे सीलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैं 2-3 मिनट के बाद देख रही हूँ, इसका रंग भी चेंज हो गया है। अब हम इसे तेज आंच करके इसे 1 मिनट तक तेज आंच पे भूनेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 मिनट तक तेज आंच में भून लिया है।
अब इसमें हम ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये सब्जी पूरी तरह से पक जाए। हम रस वाली सब्जी नहीं बल्कि हम लटपट सब्जी बना रहे हैं, मतलब ग्रेवी एकदम लिपटा हुआ हो सब्जी में, ऐसी सब्जी बना रहे हैं। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी कुंदी की सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए मेरी कुंदी की सब्जी रेडी है। ये एक तरह की मसालेदार सूखी सब्जी हो गई है। अगर आपको ग्रेवी रखना है तो थोड़ा पानी और ऐड कर ले ताकि इसमें ग्रेवी हो जाए, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो इसके साथ रोटी या पूरी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है।